वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड से कैसे शेप फाइल बनाता है। तो मेरे पास एक ऑटोकैड फाइल है जो एक पॉलीगन है और हम इसका DWG फाइल से .shp शेप फाइल बनाएंगे QGIS के माध्यम में। QGIS के बारे में हमने पहले भी वीडियो दे चुके हैं, उसमें आप QGIS एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, www.qgis.org के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। QGIS का बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूज़फुल है एक सर्वे एंड सिविल इंजीनियर के लिए, स्पेशली GIS के लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो शेप फाइल क्या होता है, पॉइंट का होता है, पॉलीगॉन का होता है, लाइंस का होता है। ये शेप फाइल एक शेप को डिनोट करता है और ये बहुत ज़रूरी है GIS फील्ड में। तो कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ऑटोकैड ड्राइंग रहता है और उस ऑटोकैड ड्राइंग से हमें शेप फाइल इसका कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वही मेथड आज आपको हम दिखाएंगे कैसे ये काम कर सकते हैं बहुत ही आसान से। तो मैंने एक ड्राइंग चूज़ किया और मेक श्योर कि आपका ड्राइंग को रियल कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, दैट इज़ इसका जो स्ट्रिंग नोडिंग है कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होना चाहिए, UTM हो या फिर कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो वो उस हिसाब से होना चाहिए। देन उसको हम जियो रेफरेंस करने के बाद शेप फाइल बना सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन को हम शेप फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें बाकी और भी ड्राइंग में ऑटोकैड में बहुत कुछ है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया। देन एक नया ड्राइंग खुलेंगे ऑटोकैड में जिस पे हम करेंगे क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। तो उसको देखने के लिए हमें जूम एंटर एक्सटेंड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन आ चुका है एंड वो रियल कोऑर्डिनेट में पेस्ट हो चुका है। अभी ये पॉलीगॉन को हम DXF फाइल बनाना पड़ेगा, ऑटोकैड का जो फॉर्मेट है .dwg नहीं .dxf बनाना पड़ेगा। वो DXF को हम इम्पोर्ट करेंगे QGIS में, क्योंकि QGIS में आप .dwg इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको DXF ही बनाना पड़ेगा। तो हम इसको सेव करेंगे, पहले तो .dxf फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो फाइल्स ऑफ टाइप, इसको यहाँ पे DXF करते हैं, कोई भी वर्सन कर सकते हैं। मैं 2010 वाला वर्सन DXF दे देता हूँ और सिंपल एक सैम्पल बोल के मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, सैम्पल सेव। तो ये सेव हो चुका है। अभी ऑटोकैड का काम ख़त्म हो गया, हमें जाना है QGIS में। QGIS सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैं ओपन करके रखा हूँ और मैं आपको कौन सा वर्सन यूज़ कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। QGIS डेस्कटॉप 3.22.6 ये वर्सन हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो QGIS ओपन करने के बाद आपको ये न्यू प्रोजेक्ट खोल लेना है, उसके बाद ये DXF फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, दो तरीक़े से कर सकते हैं, मैंने दोनों ही आपको दिखाऊंगा। लेयर मेनू में जाके ऐड लेयर, देन ऐड वेक्टर लेयर, क्योंकि ये एक वेक्टर फाइल है। अगर कोई इमेज इंस्टॉल करना होता था तो मैं रास्टर इंपोर्ट करता, कोई CSV होने से डॉट डिलिमिटेड लेयर इंपोर्ट करता। तो ये वेक्टर लेयर है, इसमें जाके आपको ये वेक्टर डेटाबेस जो फाइल आपका जहाँ पे स्टोर्ड है वो आपको क्लिक करना है, देन इसको ओपन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड सिंबल है, वो ऐड कर सकते हैं आप ऐसे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देन यहाँ पे आपको ये लाइन स्ट्रिंग जो है वो लाइन के हिसाब से इम्पोर्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके ऐड लेयर्स कर देना है, देन ये विंडो का आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग आ जाएगा। तो ये आपका DXF फाइल ऐसे इंपोर्ट हो गया। एक और तरीका है, बहुत ही आसान है, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इसके लिए। अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो DXF फाइल है यहाँ पे है और ये है, ये रहा QGIS का विंडो। तो इसको इतना कुछ लेयर में जाना, फिर ऐड वेक्टर लेयर, इतना कुछ नहीं करना है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पे इस लेयर में, तो अपने आप ही आ जाएगा, बहुत ही आसान है।
को फिर क्लिक करके ऐड लेयर कर सकते हैं। तो हाँ, अब दोनों मेथड में कोई भी एक मेथड लीजिए और आपका DXF फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है कि द लेयर हैज़ नो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट डिफरेंस सिस्टम सेट। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना होगा। उसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये लेयर जो आपका आया उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, देन लेयर सीरीज ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके सेट लेयर सीरीज। अभी इसमें जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो मैंने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया वो है कल्याणपुर 1975 जोन 2 ब्रेवो। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हमने यूज़ किया। और अगर आपका ड्राइंग सिस्टम जो ऑटोकैड ड्राइंग है वो यूट्यूब में है तो आप ऐसे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और जो आपका जोन होगा वो आप ऐसे सर्च करके आप WGS84 जोन ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब में नहीं है ये ड्राइंग, तो मैं करूँगा ये जो कल्याणपुर 1975 जोन 2 ब्रेवो, ये जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल आपके हिसाब से वो चूज़ कीजिए। तो इसके बाद ऐसा लगा कि ड्राइंग गायब हो गया, ऐसा नहीं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो अपने आप वहाँ पर एडजस्ट हुआ। तो इसको दोबारा देखने के लिए इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं आप लेयर पे, देन जूम टू लेयर अगेन, तो यहाँ पे आपको वो ड्राइंग मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक और बार राइट क्लिक करके सेट लेयर सीरीज में जाना होगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन में क्लिक करना होगा, सेट प्रोजेक्ट सीरीज फ्रॉम लेयर। तो लेयर में आपने जो प्रोजेक्ट लेयर में जो आपने सीरीज सेट किया वो आप उसी सेम सीरीज प्रोजेक्ट का भी करना चाहते हैं, तो ये क्लिक करने से आपका हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट सीरीज एंड लेयर सीरीज दोनों कंबाइंड हो गया। तभी ये सही जगह पे इंपोर्ट हुआ कि नहीं उसके लिए हमें देखना होगा। तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी मैंने एक दूसरा वीडियो में बताया था, वो ये वेब पेज में होगा, और ये प्लगइन हमने इंस्टॉल कर चुका ऑलरेडी। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको दिखाया, क्विक मैप सर्विस प्लगइन है, गूगल में जाना होगा आपको, गूगल मैप का ओवरले हम देंगे सैटेलाइट का। तो मैंने जिस एरिया पे काम किया, जो DGPS से काम किया, उसका जो कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से सही जगह पे ये प्लॉट हो चुका है। तो दैट मीन्स मैं कंफर्म हो गया कि मेरा शेप फाइल एकदम जियो रेफरेंस के साथ यहाँ पे DXF फाइल इंपोर्ट हो गया। तो अभी हम इसको शेप फाइल बना सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको शेप फाइल बनाने के लिए आपको, ये तो अभी DXF है, ये जो ऐसा दिखा रहा है ये DXF है, ये शेप फाइल नहीं है। और शेप फाइल होता तो यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते थे, इसमें बहुत कुछ काम कर सकते थे, शेप फाइल में बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत एप्लीकेशन है। मैं आपको धीरे धीरे दूसरा वीडियोस में ये दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी इसको मैं शेप फाइल बनाता हूँ इसका। तो इसके लिए राइट क्लिक करना है इसको, इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है एंड सेव फीचर एज, इस पर क्लिक करना है। इसमें होने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी फॉर्मेट में आप इस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शेप फाइल के लिए आपको ESRI शेप फाइल ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप इसको KML करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे की होल मार्कअप लैंग्वेज है, KML बन जाएगा आपका। तो अभी फ़िलहाल मैं तो आपको शेप फाइल दिखाऊँगा। शेप फाइल में क्लिक किया, यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल नेम आप मत दीजिए, डायरेक्ट फाइल नेम देने से गलती हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्राउज़ करना होगा। ब्राउज़ करने के बाद मैं एक फोल्डर बना लूँगा कि मेरा ये सैम्पल सेव फाइल, उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल का नाम दूँगा सैम्पल SHP, कोई भी नाम। तो उसको सेव किया, और यहाँ पे और कुछ नहीं करना है आपको, ये जो CRS है इसको आप चेंज करके प्रोजेक्ट CRS जो है वो कर सकते ही, नहीं तो डिफॉल्ट CRS भी कर सकते, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेन तो है कोई भी कोऑर्डिनेट रेफरेंस दीजिए, आपका शेप फाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐड सेव्ड फाइल टू मैप, इस मैप में ऑटोमेटिक ऐड करने के लिए टिक मार्क है, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, तो इसको ओके कर देना है। तो होने के बाद देखिए दोबारा दूसरा एक फाइल बन गया, ये तो था DXF, इसको मैं अगर हाइड कर दूंगा तो ये बन चुका हमारा शेप फाइल। तो कितना आसानी से ये बन गया। और ये शेप फाइल आपको देखने के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया था वो देखिए यहाँ पे देखिए। शेप फाइल का इतना सारा कंपोनेंट रहता है,
.shp जो shape denote करता है, shx, prj, .prj जो projection denote करता है, dba में कुछ data रहता है, और .cpg and .qmg ये भी उनका कुछ फाइल है, मुझे नहीं पता डिटेल में कि ये दोनों क्या डिनोट करते हैं, बट ये कंपोनेंट है शेप फाइल का, 6 फाइल रहता है। शेप फाइल अकेला ऐसा नहीं रहता है कि .shp, इसको ऐसे शेप फाइल नहीं होता है। नॉर्मली क्या करते हैं, शेप फाइल किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करना पड़ता है, ये sh, ये सबको जिप करना पड़ता है। यार कोई कोई रिक्वायरमेंट में ऐसा भी होता है, shp, shx, prg, dbf, ये चार जरूरी है, बाकी ये .qmd और .cpg ये जरूरी नहीं होता है हमेशा। ये चारों को अगर आप जीप कर देंगे तो वो सेफ फाइल बन जाएगा उस एरिया का। तो सिंपली ऐसे ही क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐड टू आर्काइव, देन यहाँ पे इसको जीप कर सकते हैं, करके ओके कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सेफ फाइल। ये है आपका सेफ फाइल बन चुका। तो यही मेथड आपको सेफ फाइल कर सकते हैं, और सेफ फाइल में बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत सारा स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं आप, इसका कलरिंग वगैरह और एडिट सिंबल वगैरह बहुत कुछ है, वो आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। और सेव फाइल में आप इसमें एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट में उस ये जो सेव फाइल है इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है, पेरीमीटर कितना है, ये सब भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये सेव फाइल से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये सब ओपन एट्रीब्यूट में जाके, यहाँ पे ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाके ये टूगल एडिटिंग ऑन करके आप डाल सकते हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रिसेंटली। और ये रहा आपका लाइन सेप फाइल, ये बन चुका है, ठीक है। तो इसी मेथड में आप सेप फाइल बनाइए और अपना आपका बनाइए, बना के कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।